तो हमने जंग बदर पूरी कर ली थी उसके बाद से हम शुरू करेंगे कि जंगे बदर के बाद से क्या हालात पैदा हुए और किस तरह के वाकयात हमारे आंखों के सामने आते हैं तो कोई एक बहन मुझे बताया कि हमने जंगे बदर के बाद जो छोटे मोटे ग़ज़बात हुए थे जंग ओहद के पहले से पहले वो कर लिए थे या नहीं अगर किसी के जहन में हो तो बताएं क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा मेरा बुकमार्क भी हट गया यहाँ से हम जंगे बदर के बाद हमने कुछ किया था या जंगे बदर पे ही रोका था हम यहाँ पर काफी नए लोग हैं ना और पुराने लोग तो पता नहीं एक तो ही होंगे जी 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 बाकी इसको देख ना, कुछ और डाल उसमें चलिए बदर के बाद बहुत अजीम फतह हासिल हुई थी और काफिरों को शिकस्त से दो चार हो जाना होना पड़ा था हालांकि मुसलमानों की तादाद काफिरों के मुकाबले में आधी भी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तला ने गैब से उनकी मदद की और सारे अरब ने देखा कि कैसे एक भर मुसलमानों ने कैसे की इतनी बड़ी जमात जो कि हर तरह के हथियारों से थी जिनके पास हर तरह के फौजी सामान था और मक्का के बड़े बड़े ताकतवर बहादुर कुरैश के सरदार जो है उसने हिस्सा लेने आगे बढ़ चढ़ कर आए थे और वो शिकस्त से दो चार हुए थे और बड़े बड़े सरदार बदर में कत्ल कर दिए गए थे तो ये कोई मामूली बात नहीं थी पूरे पूरे अरब ने इसका मुशाह किया और पूरे अरब ने जो है इस बात को मान लिया कि इस्लाम जो है वो ऐसा ऐसा दीन नहीं है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम आसानी से ख़त्म कर सके लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात मान ली थी तो और मुश्किन जो है मुश्किन मक्का के ऊपर जो सदमा उनको जो सदमा हुआ था उनको जो गम हुआ था उनको जो शौक लगा था उसका कोई इसकी कोई इंतहा नहीं थी यानी अभी तक वो सदमे अभी तक वो समझ नहीं पाए थे कि ये अचानक से हुआ क्या है क्योंकि उन्होंने कहीं भी कहीं से कहीं तक ये नहीं सोचा था कि हम जाएंगे और शिकस्त खाकर आएंगे वो हर तरह से ए, एक यही सिर्फ उनके पास ऑप्शन को समझ में आ रहा था कि हम जीत कराएंगे और इस्लाम को बिल्ला दुनिया से खत्म करने की और इनकी जो जद्दोजहद थी वो समझते थे कि हम उसमें कामयाब हो जाएंगे लेकिन जंग बदर के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया और वो गम और गुस्से से जो है वो भुन, जल भुन रहे थे। तो जब उन लोगों ने देखा कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा अपना वक़ार बनाने के लिए अपनी इज्जत दोबारा से बहाल करने के लिए हमें कुछ तो रहना करना पड़ेगा तो इन्होंने जो है क्या किया कि आज कहीं ना कहीं लोगों को अपना साथी बनाना शुरू कर दिया इन्होंने अपने इन्होंने सोचा कि पहले हमें अपने आप को मजबूत करना है तो इन्होंने जो है वो मतलब सारी अपनी तो इसमें खर्च कर दी कि कैसे पैसों के मामले में भी पैसा एक पैसे इकट्ठा करना जंगी तैयारियां करना लोगों को अपना हलीफ बनाना लोगों के साथ मुहिदे कर करके कर अपनी आर्मी बढ़ाना इस सारी तैयारी में लगे और एक साल भी नहीं गुजरा था उन्हें कि वो ये सारी तैयारियां पूरी करके जंग ओहद के लिए चढ़ाए थे ये एक साल उनको मिला था अपनी साख को बहाल करने के लिए लेकिन जंग बदर और जंग ओहद के बीच में पूरा एक साल था लेकिन उसके बाद जो है इस इस बीच में भी जो है वो लोग खामोश नहीं बैठे थे इस बीच में भी छोटे मोटे गज्बात और सरायात होते रहे थे कि जो ऐसा नहीं है कि ये एक साल मुसलमानों का बहुत सुकून से गुजरा था जंगे बदर के बाद से मुसलमानों ने बस कुछ दिन ही सुकून का सांस लिया था जंगे बदर रमजान में हुई है और उसके बाद रमजान में मुसलमानों ने जो है अपनी जिंदगी की पहली ईद मनाई है फतेह की खुशी में और बस उसके बाद से फिर जो है परेशानियां शुरू हो गई जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि सीरत का हम मुता करें तो कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया सुकून हो गया बैठ गए अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी जो है हमें जो नजर आती है वो ऐसी नजर आती है कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहा अभी एक तरफ के फितनों से को दबा के वहां फितना ठंडा करके बैठे तो फिर जो है कुछ ना कुछ नया शुरू हो गया इधर से फितना उधर से दुश्मन इधर से ये मतलब पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल रसुलसलम की ऐसी नहीं थी कि जो जिसमें कोई भी सुकून इत्मीनान का कोई वक्त आया हो लेकिन हम ये भी हमारे लिए समझने की बात है कि अल्लाह के रसूल सिर्फ जो है वो दावत तबलीग और मस्जिद और मुसल्ह तक ही महदूद नहीं थे बल्कि ये सारी चीजें इस्लामी हुकूमत क़ायम करना इस्लामी निज़ाम क़ायम करना इस इसमें आपका क्या रोल था वो भी हमें देखना होगा हम अल्लाह के रसूल जो हमारी नातों में और जो हमारे हमारे जो तकदस हम जो जिस तरह से अल्लाह की तारीफ करते हैं तो क्या हमारे जहन में एक तस्वूर आता है कि हमारी नातों में क्या पढ़ा जाता है कि कमली वाले शान या मतलब ऐसा कोई तस्वूर के एक जो है वो अल्लाह का बंदा अल्लाह का रसूल है जो कि बैठा है दावत तबलीगी का, का काम कर रहा है बुराइयों से रोक रहा है भलाइयों का हुक्म दे रहा है मस्जिद में बैठा है मुसल्ले पे बैठा है असकार नहीं ये ये तस्वुर बहरहाल है उनका बे, बेशक उनका ये तस्वुर है लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत फौजी कमांडर एक मजबूत फौजी जो है लश्कर का एक सिपा एक एक जंगी लीडर उस वो तस्वीर हम नहीं देखते हैं ये एक तल हकीकत है लेकिन है कि हमारे हमारे मुआरे में हमारे जो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश इस तरह के जो मुल्कों में हमने जो तस्वर इस्लाम का लिया है ना जितना गलत तस्वुर हमने इस्लाम का अपने जहनों में बैठा है उतना ही गलत तस्वर हमने सीरत की जिंदगी का लिया है हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि अल्लाह के रसूल कितने बेहतरीन जंग की तरबियत देने वाले थे हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है वो कितनी बेहतरीन प्लानिंग करने वाले थे कैसे वो फाइनेंशियल मामला को कैसे वो मतलब हर तरह के मामला को अच्छी तरह से मैनेज करते थे लोगों के पास जो जैसे कहते हैं ना कि पूरी एक इकनॉमी चल रही थी उनको देखना इकोनॉमी को भी देखना बाहर के मामला को भी डील करना अंदर के मामला को भी डील करना जंगी तरबियत भी देना एक वो एक मुकम्मल शख्सियत थी लेकिन हमने अफसोस के हमने अपने बच्चों के सामने उनका वो खाका नहीं पेश किया हमारे सामने हमारे बड़ों ने नहीं पेश किया और हमने अपने बच्चों के सामने नहीं पेश किया हमें अपने बच्चों को अल्लाह के रसुलसल्लम की हकीकी तस्वीर उनको दिखानी होगी कि वो कैसे निडर और हर चीज में जो है वो माहिर और यकता थे तो आगे हम देखते हैं कि छोटे मोटे गजवा जो होते रहे इस पूरे साल में जिससे अल्लाह के निबटते रहे तो एक तो ये हुआ था गजब बनी सुलेम बनी सुलेम या सलीम ये इन दोनों नामों में से कोई एक नाम इसका आता है तो इसमें क्या हुआ था कि अल्लाह अल्लाह के के एक इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट भी था एक खुफिया जासूसी ग्रुप भी था जो कि आप सिस्टम को आसपास की खबरें आके दिया करता था यानी किसी तरफ से भी काफी लोग नहीं बैठते थे आप पता था कि दुश्मन कह, कहीं से भी वार कर सकता है तो एक फौजी दस्ता होता था जासूसी दस्ता जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि आसपास की खबरें लाके दिया करता था एक वो होता था जो कि उस तरह के बाहर से अगर कोई अटैक करे तो वहां तैनात रहता था हर तरह से हर तरफ से इंतजाम किए जाते थे तो एक जो है ये जो इंटेलिजेंस का शोबा था इसने भेजी कि कबीला गतफान की शाख जो है वो बनु कबीला गतफान की एक शाख थी सुलेम ये लोग मदीने पर चढ़ाई के लिए फौज जमा कर रहे हैं ये खबर आई तो तो इसके जवाब में अल्लाह अल्लाहुल्लम ने 200 सवारों के साथ खुद जाकर उन, उन पर अचानक से उनके इलाके में धावा बोला और उस पर जो है वो हमला हुआ भगदड़ मची और आमने सामने जंग तो नहीं हुई लेकिन वो लोग जो है वो अपना सामान छोड़कर भागे और जिस पर अल्लाह के उनके लश्कर ने उस, उस माल गनीमत को हासिल किया तो इसको गजबे बनी सुलेम कहा जाता है ये बहुत छोटा सा गजबा था इसमें कोई ज्यादा वो खून खराबा नहीं हुआ लेकिन इस गजबे को अगर अगर ये गजबा ना किया जाता अल्लाह के अगर चढ़कर नहीं जाते चढ़ा खुद पहले से हमला नहीं करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और वो लोग आकर जो है पूरी फौज को लाकर इकट्ठा करके वो मदीना पे हमला कर सकते थे तो इसलिए इस غزوه की बहुत अहमियत है उसके बाद फिर जो है अल्लाह के रसूल सम की की कत्ल की साजिश की गई वो किस तरह से की गई कि जंग के में जो है मुशकिन उससे से बेकाबू मह थे जंग के में शिकस्त खाकर तो उमैर बिन वहाब जमही जमही एक आदमी था और इसका बेटा वहाब बिन उमैर जंग बदर के कैदियों में आया था और मुसलमानों की कैद में था तो उमर सफ़वान बिन उमैया के साथ ये बैठकर जिसका बेटा जंग में कैदियों होकर आया था ये वहां पर हतीम में बैठकर उमेर सफ़वान बिन उमैया के साथ बात कर रहा था और अपने अप सरदारों को कत्ल होते हुए देखा है उमेर ये जो था इसने कहा कि अगर मुझे तो अपनी बीवी बच्चों की फिक्र ना होती तो मैं तो जाता और अल्लाह के नजुबिल्ला कत्ल कर डालता अपने बेटे का बदला ले लेता तो ये जो सफान भी रुम्या था इसने इसने इसको सपोर्ट किया इसने कहा तुम अपने बीवी बच्चों की फिक्र मत करो मैं उनको पालूंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूंगा तुम्हारे अहलोयाल मेरे अहलोयाल होंगे मैं उनकी हर चीज की जरूरत का हिसाब हिसाब रखूंगा रखूंगा एहसास करूंगा बस तुम ये काम करो इसने उसको खूब चढ़ाया तो ये जमेर बिन वहाब था इसने अपनी तलवार पर धार लगाई उस पर जहर लगाया और फिर ये मदीना के लिए निकला अभी ये मदीना पहुंचा ही था कि उमर बिन खत्ताब की इस पर नजर पड़ती है और उमर बिन खत्ताब इसको गले से पकड़ के खींचते हुए अल्लाहलम के पास आते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का दुश्मन आया है अपनी तलवार लिए हुए और ये किसी अच्छी नीयत से नहीं आया है तो अल्लाह केसूलम कहते हैं कि उमर बैठ जाओ इसे छोड़ दो ठंड रखो और फिर उसके बाद आके बैठते हैं कि बताओ मैर यहाँ क्यों हो तो मैर कहता है कि मैं आपके पास कुछ कैदियों के बारे में बातचीत करने आय मेरा बेटा आपके कैद में मैं कुछ बात करने आया तो अल्लाह के फरमाते हैं कि तुम्हारी गर्दन में तलवार क्यों लगी हुई है तो कहता है कि नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही आया हूँ तलवारें तो मैं ऐसे ही लेके आ गया हूं। तो आप उसमें कहा नहीं मैं बताता हूँ तुम क्यों आए हो फिर आप आपलम ने पूरा उसके सामने नक्शा खींच दिया कि तुम सफवान बिन उमैया के साथ हतीम में बैठे थे तुमने कुरैश के मकतुलन के बारे में क्या क्या बातें की और फिर तुमने ऐसा ऐसा कहा और फिर कि मेरे ऊपर कर्ज ना होता है ना होती तो मैं जाता और फिर सफवान बिन उमैया ने क्या मतलब अल्लाह के अल्लाहलम ने उसकी और सफवान की बात का एक एक लफ्ज उसके सामने दोहरा दिया तो वो हक्का बक्का रह गया और उसने कहा कि उस वक्त जिस वक्त हमारे बीच ये बात हो रही थी हतीम में हमारे सिवा कोई मौजूद नहीं था तो इस बात पे मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के अल्लाह के रसूल हैं और आपके पास जो है आसमान से जो खबरें लाई जाती हैं उसी में से ये खबर आपको दी गई है और मैं अल्लाह की तारीफ बयान करता हूँ जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और वो कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ये अल्लाह ताला जो है वो इस, इस नापाक इरादे को नाकाम कर देते हैं उसके बाद फिर गजब कनका होता है गजबी कनका में क्या हुआ था कि अल्लाह के रसूल जब मदीना तशरीफ लाए थे तो आपने यहूदियों के साथ पीस एग्रीमेंट किए थे मुहिदे किए थे जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के रसूल ने मदीना आकर किस किस चीज के बारे में सबसे पहले फिक्र की तो सबसे पहले इन यहूदियों के साथ पीस एग्रीमेंट किए गए थे क्योंकि इनकी तरफ से बहुत खतरा था लेकिन यहूदियों की तो जो है पूरी तारीख हम उठाकर देख लें कि तारीख गवाह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने कोई मुहिदा किया हो और उसको तोड़ा ना हो इसराइल की तो पूरी तारीख ही ख्यानत और गद्दारी से भरी हुई है चुनानचा इन्होंने जो है उस पीस एग्रीमेंट को बज़ाहिर तोड़ रखा लेकिन दर पर्दा इन्होंने अपनी साजिशें अपनी चालें अपनी दुश्मनियां शुरू कर, करते रहे तो इन्होंने जो है क्या करना शुरू किया कि अब इनको ये सबसे बड़ा सदमा यहूदियों को ये था कि इस्लाम के आने से पहले औस और खजरज को हम जैसे चाहते थे चलाते थे औस और खजरज जिनकी जमानों से दुश्मनियां चल रही थी नस्लों से दुश्मनियां चल रही थी उसकी एक बड़ी बजाय यहूद थे जहां उनकी जंग की आग कुछ ठंडी होती यहूद जाके उसमें पीली दिखा दिया करते थे जहां उनके दरमियान कोई मुहिदा अमन का मुहिदा होने वाला होता ये बीच में जाकर टांग अड़ा दिया करते थे एक के खिलाफ दूसरे को भड़काते दूसरे के खिलाफ पहले को भड़काते और ऐसा क्योंकि औस और खजरत की मुसलसल सालों से चलने वाली जंग में इनको अपना फायदा था कि जाहिर है कि जब तो कबीले जंग में रहेंगे तो ध्यान ही नहीं जाएगा कि वो अपनी मैशत की तरफ देखें अपनी तजारत की तरफ देखें और जाहिर है जंगे हो रही हैं तो उसमें पैसा भी चाहिए हथियार भी चाहिए इस तरह से यहूदी अपना कारोबार चमका रहे थे उनको जंगों में मुल्ब रखे और वैसे भी इनकी तो मतलब आदत ही थी इनकी तो फितरत में ही है कि आग लगाना और बैठ के तमाशे देखना इनकी इनकी तो तबियत में ही शर है तो इसलिए अब जब अल्लाह के ने इनसे जो मुहिदे किए थे कि कोई शर नहीं, नहीं आप दिखाएंगे ये अपना, उस की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने अंदर ही अंदर जो है फिर से वही हरकतें शुरू कर दी जो एक बूढ़ा यहूदी था शाश बिन कैस जो कि इतना बूढ़ा था कि मतलब कभी मर सकता है जिसे कहते हैं हम खबर में पैर लटकाए हुए लेकिन मुसलमानों से उसकी अदावत और दुश्मनी हसद इतना ज्यादा था कि इसने जो है वो और की बहफलों में बैठ बैठ कर बातें शुरू कर दी और पुराने अशार पढ़ने शुरू कर दिए कि ऐसा होता था वैसा होता था तुम्हारे तो इतने लोगों को इन्होंने मारा था तुम्हारे तो इतने ऐसे तुम्हारे बेटों को मारा था इसने फिर से भड़काना शुरू कर दिया और इसके भड़काने का नतीजा ये हुआ कि एकदम से जो है वो आप उनमें आपस में फूट पड़ी और लोग हथियार लेकर निकल पड़े और करीब था कि जंग हो जाती है खजरत में लेकिन अल्लाह केसलम जो है वो फौरन अपने सहाबा को लेकर वहां पहुंचे और फिर अल्लाह के केसलम वहां पे एक तक्रीफ फरमाई उनको उनसे खिताब फरमाया और फिर उनको समझाया कि ईमान के बाद इस्लाम के बाद अभी तुम जाहिलियत की बात पर लड़ रहे हो अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम से नवाजा अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की रोशनी में दाखिल किया और तुम फिर अब उस जहालत की तारीखियों में जा रहे हो तो उन लोगों को जो है वो फ़ौरन एहसास हुआ और वो औस और खलदज के लोगों ने एक दूसरे से गले लटके रोए माफी मांगी और ये मामला वही पे ख़त्म हो गया लेकिन यहूदी खामोश बैठने वाले नहीं थे ये एक उनका प्लान फेल हुआ वो दूसरे प्लान की तरफ आ गए अब उन्होंने क्या किया कि सुबह मुसलमान हो आपस में उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि सुबह में इस्लाम लाओ शाम में काफिर हो जाओ सुबह में इस्लाम लाते शाम में काफिर हो जाते और कहते कि भई हमने हमने तो दिन भर बैठ के देख लिया कुछ नहीं है इसमें ताकि भोले भाले मुसलमानों को उसकी तरफ से हटाएं और जो इस्लाम ना लाए हैं उनको इस्लाम लाने से पहले ही रोक दें इसके अलावा ये क्या करते थे कि अगर कोई आदमी मुसलमान हो जाता तो उस पर जिंदगी तंग कर देते थे उस पर उसको उसके साथ कारोबार करना बंद कर देते थे उसके साथ तजारत नहीं करते थे अगर उसके जिम्मे कुछ बकाया है तो उसके पीछे पड़ते थे कि नहीं तुम हमें दो हमें दो और अगर इनके ऊपर किसी मुसलमान का बकाया है तो कहते थे कि नहीं वो तो वो तो खत्म हो गई बात जब तुमने दीन ही बदल लिया तो बात खत्म दीन खत्म बात खत्म वो तो तुम्हारे पुराने दीन का कर्ज था तो इन्होंने ये सारी हरकतें शुरू कर ही रखी थी और अल्लाह के रसलसल्लम को और साहबा कराम को ऐसा नहीं था कि नजर नहीं आ रहा था उन्हें सब नजर आ रहा था लेकिन मसलहत का तक ये था कि अलाम इन सारी बातों पर सबर करते जा रहे थे क्योंकि अमन और सलामती चाहते थे कि जाहिर है कि इनसे भरेंगे तो कुछ ना कुछ तो अमन को नुकसान हो गई तो इन इन अमन और सलामती की वजह से भी और इनकी हिदायत की उम्मीद में भी कि शायद अल्लाह हिदायत दे शायद अल्लाह भी इनको टॉपिक दे दे अल्लाहसम सबर किए जा रहे थे तो इन्होंने जो है जब यहू अल्लाह के तो हिकमत के तहत सब्र कर रहे थे खामोश थे बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन इस बात पर जो है यहूदियों को और ज्यादा श्रेय मिली उनको ऐसा लगा कि हमारी हरकतें जानने के बावजूद ये कुछ नहीं कह रहे हैं तो गोया के कि ये हमसे डर रहे हैं तो इन्होंने जो है अब जो जो कुछ ये खुल्लम खुल्ला जो कुछ ये के कर रहे थे अब ये खुल्लम खुल्ला उस पर उतारा है तो इसमें इनका एक आदमी था काब बिन अशरफ जो कि सबसे ज्यादा जो है दुश्मनी में और अदावत में आगे बढ़ा हुआ था और ये इसके जो है बहुत ज्यादा लोग इसको मानते थे इसकी बातें मानते थे इसकी बातें मानते थे और इसने जो है वो लोगों को हर तरह से सहाबक रामपुर को लग हर तरह से तकलीफें पहुंचाई थी तो बनु कैनका जो थे इनके साथ भी मुहिदा किया गया था बनु कैनका बनु कनखा और एक और थे ये तीन कबीले थे यहूदियों के बड़े तो बनु कैनका से भी इनकी तीनों से अलग अलग मुहिदे हुए थे लेकिन बनु कैनका के लोगों ने क्या किया कि बनु कैनका के बाजार में एक और अरब औरत सामान लेकर आई और यहू ज्यादातर जो है तजारत मीशत पूरी बाजार जो है वो यहूदियों के हाथ में थी पैसा इन्हीं के हाथ में था तो एक यहूदी सुनार था जिससे वो औरत कुछ बेचने या लेने आई थी अरब औरत और यहूदियों ने जो है वो उसको कहा कि अपना चेहरा खोलो कुछ बदतमीजी की और औरत से और औरत ने जब बना किया तो उन्होंने कुछ बदतमीजी ऐसी की कि उस औरत का कपड़ा पीछे की तरफ से बांध दिया जब वो उठी तो जैसे बेपर्दा हो गई पीछे से और उस औरत ने शोर मचाया तो एक मुसलमान ने जो है वो एक अरब औरत की बेजती होते देखकर उसने गुस्से में उस यहूदी का कत्ल कर दिया तो जवाबन यहूदियों ने उस मुसलमान पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया तो इस तरह से जो है वो एक जैसे फसाद हो गया यहूदियों मुसलमानों के के बीच हो गया इधर के भी लोग मरे उधर के भी लोग मरे तो अब अल्लाह के के रसूल सब्र का पैमाना लबरेज हो गया अब अल्लाह के रिजुअस्सम ने कहा कि अब बर्दाश्त करना सही नहीं अब सब्र करना सही नहीं है अब तो जो है ये लोग जो है हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह के रजुवास्लम ने मदीने का इंतजाम मतलब मदीने की बस्ती अलग थी और ये बनु कनखा कुरैजा इनके जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर पूरे पूरे किले बने हुए थे जिनके अंदर इनकी इनकी बाजार बाजार इनके बाजार, इनके घर इनकी दुकानें पूरी तरह से एक रियासत जैसे उनकी होती थी किलों के अंदर तो अल्लाह के ने अबू लबाबा को मदीने का इंतजाम सौंपा और हमसा हमजा रजियालों के अपने चचा हजरत हमजा के हाथ में झंडा दिया और पूरी फौज को लेकर जो भी ग्रुप को लेकर आप बनु कन की तरफ चले जब बनु कनखा वालों ने देखा कि अब इन्होंने झगड़े फसाद तो कर दिए मार डाला लेकिन जब इन्होंने देखा कि किसम फौज को लिए हुए आ रहे हैं तो ये अपने इन्होंने अपने जो किले के दरवाजे थे वो बंद कर दिए और महसूर हो गए अंदर किले के अंदर आपसम ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और पंद्रह दिन तक ये अः मुहासरा चलता रहा पंद्रह दिन तक यहूद अंदर बैठे रहे और बाहर दिन को घेरे रहे फिर अल्लाह ताला ने जो है इनके दिलों में रोब डाल दिया अल्लाह की सुन्नत है कि जब अल्लाह किसी को शिकस्त देना चाहता है तो फिर उनके हथियार डाल दिए तो आ, आ और, और, और लेकिन उन्होंने शर्त रखी के मतलब उन्होंने शर्त नहीं उन्होंने एक तरह से दरख्वास्त की कि जो भी आप फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा लेकिन हमें मारे ना हम बाहर आ जाते हैं और वो बाहर निकल आए अल्लाह के रुजुअम ने उन सबको बांधने का हुक्म दिया और कहा कि इन लोगों को जो है वो छोड़ना मुनासिब नहीं है इनके शर को हम झेलते हुए बहुत टाइम हो गया है सबर करते हुए बहुत टाइम हो गया है अब इनको जो है मारना जरूरी है लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्ला बिनूबई ने अपना मुनाफिकाना किरदार दिखाया इसने जो है अल्लाह के रुजोस्म से बेपनाह इसरार किया कि आप के बारे में माफी का हुक्म दें और कि इसने कहा कि बनु कैनका जो है वो मेरे हलीफ है बनू कैनका से मेरा मुहिदा है और आप जो है मेरी खातिर को माफ करें और वो शख्स जो है अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास बार बार आह कहता जाता था बार बार आपको पकड़ के कहता जाता था यहाँ कहते हैं कि हमें गुस्से की परछाई चेहरे पर नजर आने जो कि बहुत कम नजर आ रही थी का चेहरा गुस्से से तम तमा गया लेकिन जो है ये मुनाफिक अपने इसरार पर कायम रहा बोला नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि आप मेरे मुहिदीन के बारे में एहसान कर दें ये चार सौ खुले जिसम के जवान और ये इतने ताकतवर जवान आप इनको एक एक ही दिन में कैसे मार देंगे आप ऐसे कैसे इनका खून बहा देंगे वल्ला ये आप बहुत गलत करेंगे जमाने की गर्दिश आपको नजर आएगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा मतलब उसने कहता रहा कहता रहा तो अल्लाह के ने कहा कि ठीक है तुम्हारी खातिर मैं कर रहा हूँ हालांकि ऐसा नहीं था कि अल्लाह के अल्ण को नजर नहीं आ रहा था कि वो मुनाफिक नहीं है वही के जरिए मुनाफिक के बारे में अल्लाह खुद अपने बताते थे लेकिन अल्लाह के अः कुछ हमत के तहत मसलेहत के तहत आपने कहा ठीक है मैं तुम्हारी नाम बख्शी कर रहा हूँ लेकिन आपने कहा कि ये यहाँ मदीना नहीं मदीना के आसपास भी मुझे नजर नहीं आने चाहिए और ये यहाँ से निकल जाए तो ये सब लोग जो है जितने बनु कनका वाले थे ये सब अपने इनके इनके माल जब्त कर लिए गए और इनको वहां से निकलने का हुक्म दिया गया ये लोग शाम की तरफ चले गए थे लेकिन रिवायतों में आता है कि बहुत जल्दी इन सबकी मौत वाकई हो गई थी किसी नेक्सी बहाने से फिर उसके बाद ये गजबे बनु कनका कहलाता है उसके बाद गजबे स्वेक हुआ स्वेक कहते हैं अरबी में सत्तू को तो गजब की क्या तारीख है कि एक तरफ तो जो है अबू सुफियान इधर ये मदीना में सफ यहूद और मुनाफिक ये अपनी अपनी साजिशों में लगे हुए थे और दूसरी तरफ अबू सुफियान भी जो है वो चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी में जंग जंगे बदर का बदला लूं और उसने नजर मान रखी थी कि मेरे सर को पानी ना छू सकेगा यहाँ तक कि मैं मोहम्मद से लड़ाई ना कर लू तो वो जो है अपनी कसम पूरी करने के लिए 200 सवारों को लेकर निकला और वादी कनात से निकलकर एक पहाड़ी के दामन में उसने क्याम किया मदीना से कोई बारह किलोमीटर के फासले पर बारह मील के फासले पर लेकिन अबू सफियान को मदीने पर खुल्लम खुल्ला हमले की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और अपनी कसम भी पूरी करनी थी तो इसने क्या किया इसने एक तरह से डाका जनी की वारदात की और रात की तारीखी में इसने जाकर जो है हमले किए और कुछ खजूर के कुछ दरख्त काटे जलाए जो लोग जैसे रात में कुछ हिफाजत के लिए खेतों में होंगे अपने फार्म में होंगे उनको मारा खेत जलाए नुकसान किया और भाग गया तो जैसे इलाके जो को पता चला फौरन आप ने अपने फौज को लेकर उसका ताकुब किया और वो तेजी से भागा और हाथ तो ना लगा निकल गया लेकिन उन्हें अपना बोझ हल्का करने के लिए अपने सत्तू तोशे और साजो सामान फेंकते चले गए जो कि मुसलमानों को मालिक गनीमत के तौर पर मिला तो इसलिए इस इसको गजवा सोएब कहा जाता है तो यानी इससे इनकी इनकी पस्त जहनीत का पता चलता है कि अपनी कसम पूरी करने के लिए आए तो थे लेकिन ये हिम्मत नहीं थी कि आमने सामने जंग करें तो एक तरह से डाका डाल के उनका रात की तारीखी में छुपकर हमला करके ये समझ बैठते कि हमने अपनी कसम पूरी कर ली फिर उसके बाद जी अम्र होता है गजब अम्र में क्या हुआ था इसमें भी जो है अलग किसका माइक कौन है आपका माइक बंद कर ले गजफे अम्र में यह हुआ था कि किसलम के इंटेलिजेंस का जो वो था डिपार्टमेंट उसने अलाम को इतला भेजी कि सालबा और महारिब ये बहुत बड़ी जमीयत इकट्ठा कर रहे हैं मदीने पर छापा मारने के लिए इकट्ठी हो रही है अब हम जरा तस्वुर करें कि दीन का काम भी हो रहा है इस्लाम भी फैलाया जा रहा है लोगों के पास ग्रोह दर ग्रोह जा रहे हैं इस्लाम की दावत देने के लिए लोग आ रहे हैं तो उनको इस्लाम के अहकाम भी सिखाए जा रहे हैं उनको नमाज रोज़ा बुनियादी चीज़ें फ़िका के मसाइल तहारत के मसाइल पाकि के मसाइल लेन देन के मसाइल तजारत के मसाइल शादी ब्याह के मसाइल तलाक के मसाइल वो सब भी सिखाए जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आस पास उठने वाली मुसीबतों से भी नजर ओझल नहीं ये होता है एक कामयाब लीडर ये होता है एक कामयाब हुक्मरान कि ऐसा नहीं था कि वो दीन को ही पकड़ के बैठ गए हर तरफ उनकी नजर थी क्योंकि पता था कि हमला कहीं से भी हो सकता है खतरा कहीं से भी आ सकता है तो उसके लिए भी हर वक्त तैयार थे अब हम खुद तारीख देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि अभी इधर से खबर आ रही है अभी उधर से खबर आ रही है अभी वो 200 लोग को लेके आके छापा मार रहा है यानी एक, एक लम्हा भी ऐसा नहीं था कि जब सुकून से बैठे हों तो फिर उसके बाद जब ये इतना मिलती है कि बनु सालबा और महारिब की बड़ी बड़ी जमीयत इकट्ठा हो रही है बड़ी बड़ी फौजें इकट्ठा हो रही है मदीने पर छापा मारने के लिए के वसलम को जैसी इतना मिलती है आज मुसलमानों को तैयारी का हुक्म देते हैं और साढ़े चार सौ की नफरी लेकर रवाना होते हैं ये एक जंगी सियासत होती है ये एक जंगी वो होती है कि अगर कोई आपके ऊपर हमला करना आने वाला है और आपको खबर मिली है एक तो मतलब ये खबरें रखने वाला इंटेलिजेंस का आपका डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग हो कि आपको खबर फौरन मिल जाए दुश्मन की हमलों की और दूसरे ये कि फिर उसके हमला करने से पहले आप उसके ऊपर हमला कर दे उसकी बेखबरी में अभी अभी वो तैयारियां कर रहे हैं आपके ऊपर हमला करने की और आप जाके उसके ऊपर हमला कर दें ताकि उसकी हिम्मत भी तोड़ दें और आप अपने आप को बचा भी दें आप घर में बैठकर ये इंतजार ना करें कि वो आए और हमला करे फिर हम जवाब दें आप उसकी बेखबरी में उससे पहले जाकर उस पर हमला कर दें ये होती है जंगी पॉलिसी जंगी पॉलिटिक्स और जंगी महारत फिर उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह जब चार की जमात को लेकर रवाना होते हैं तो रास्ते में रास्ते में गिरफ्तार करके लाया जाता है तो आपको इस्लाम की दावत देते हैं जैसा कियदा था कि किसी को भी सामने आए तो उसको उसकी गर्दन नहीं उड़ाई जाती थी कहा जाता था कि पहले इस्लाम कबूल करो इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो अमान पा जाओगे उस, उसको इस्लाम की दावत दे दी गई उसको उसने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर उसको कहा कि ठीक है अब तुम हमारे लिए काम करोगे रा, रास्ता दिखाओगे हमें वहां तक ले जाने का और वो शख्स जो है रास्ता दिखाता है और वहां तक लेके जाता है लेकिन दुश्मन को जैसे खबर मिलती है वहां तक पहुंचने पर पहुंचने से पहले दुश्मन को खबर हो जाती है और वो आसपास की पहाड़ियों में बिखर जाते हैं वो जो फौजी उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई थी वो आसपास की पहाड़ियों में बिखर जाते हैं और अल्लाह केम उनको छोड़ते नहीं है उनका पीछा करते हुए वहां तक ले जाते हैं जो एक चश्मा था जिसका नाम जी अम्र था तो आप वहां तक ले जाते हैं वहां पर क्याम करते हैं और वहां के आसपास के बद्दूओं पर रोब और दबदबा डालने के लिए कि मुसलमानों की ताकत क्या है मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाने के लिए आप अल्लाह के रसूल कुछ शायद पूरा या तकरीबन पूरा महीना या पूरा तकरीबन कुछ महीने के कुछ दिन या पूरा महीना ही आपने वहां गुजार दिया था फिर उसके बाद अल्लाह के मदीना वापस तशरीफ लाते हैं और अगला वाकया पेश आता है काबिन अशरफ का कत्ल काब बिन अशरफ पीछे हम पढ़ चुके हैं ये वो यहूदी था कि जिसने अल्लाह अल्लाह को और उसके रसूल सिस्टम को हर तरह से अजियत दी अपनी जबान से ये जो है अशार कहता था शायर था और इसने हर तरह से जो है मुसलमानों को मुसलमानों की खुजू और दुश्मन इस्लाम के दुश्मनों की तारीफों में शेर कहता था और अल्लाह के रसूल सलम और मुसलमानों की और इस्लाम की बुराई में शेर कहता था और मुसलमानों के खिलाफ दूसरे मशकीन को भड़काता था तो इसने जो है ये भी इसने करना शुरू किया था कि यह मशकीन मक्का तक जाके और उनके जो जंग्यबदर में उनके बड़े-बड़े सरदार जो

जब अलाम ने ये बात कही तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा उबादा बिन बशर और अबू नाइरा ये तीन लोग थे जोड़ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम हम हैं जो आपकी तरफ से अकाबिन अशरफ से निपटेंगे फिर उसके बाद इन्होंने पूरी एक ती, तीनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की क्योंकि काब बिन अशरफ यहूदियों का एक बड़ा बड़ा आदमी था और बात जाहिर है उसकी सिक्योरिटी भी सख्त थी आसपास उसके हमेशा लोग रहते थे किले में बंद रहता था बाहर निकलता था तो अपने हथियारों के साथ लोगों के साथ तो उसको मारना कोई आसान काम नहीं था लेकिन इन तीनों ने बहुत प्लानिंग करके उससे पहले एक गया उसके पास उससे कुछ बातें की उसको अपना हमदर्द बताया फिर दूसरा गया फिर तीसरा गया फिर उसको लेके किसी तरह से बाहर निकले उसके किले से बाहर और फिर तीनों ने मिलकर उसका कत्ल किया जो कि बड़ी मुश्किल से तीनों ने मिलकर उसको मारा वो इतना मजबूत ताकतवर आदमी था तो जब इन लोगों ने जो है आ, मार के अल्लाह के रसुल के पास आए तो आप सब ने फरमाया अफलहतिल वजूद यानी ये चेहरे कामयाब हो जाए जिन्होंने को कर ये चेहरे कामयाब हो जाए उन लोगों ने वापस बव है क्या रसूल अल्लाह अल्लाह के आपका चेहरा भी और फिर जो है अल्लाह के सामने उसका सर लाके रखा अब जब यहूदियों को काबे अशरफ के कत्ल का पता चला तो इन इनके जो है थोड़े से इनके हौसले पस्त हो गए थोड़ा सा इनकी हिम्मतें इनकी शरारतें थम गई क्योंकि इन्होंने इन, इनको समझ इनको समझ में आ गया था कि अल्लाह के जब खामोश रहते हैं जबर बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब इनकी कमजोरी नहीं होती ये एक आ, मौके की ताक में रहते हैं और जब हद से ज्यादा उकसाया जाए तो फिर काबिन अशरफ जैसे ताकतवर आदमी का भी हशर यही होता है तो इसके इस काबिन अशरफ के कत्ल का बहुत ज्यादा मुस्बत असर पड़ा मुसलमानों के ऊपर कि एक तो उसकी इज़ा आसानी से उसकी तकलीफों से वो लोग बचे और दूसरी ये यहूदियों की शर उनके शर में थोड़ी कमी आ गई फिर उसके बाद सरिया जैद बिन हारसा होता है सरिया जैद बिन हारसा जो है ये मुसलमानों की बहुत कामयाब तरीन मुहिम थी जो तीन हिजरी में पेश आई थी इसकी तफसील ये बताई जाती है कि क्रैश जंग बदर के बाद उसमें परेशानी में तो थे ही सदमे में तो थे लेकिन जाहिर है तजारत भी देखनी थी उन्हें और अपनी रोजी रोटी भी देखना थी तो जब गर्मी का मौसम आया और मुल्क के शाम के तजारती सफर का वक्त होता था ये गर्मी के मौसम में इनके तजारते इनके काफले तिजारते काफले शाम जाते थे और सामान लेकर आते थे और अपना सामान लेके जाते थे तो अभी उस सदमे से निकल के इन्होंने अपनी इकनॉमी के बारे में सोचना शुरू किया अपनी तजारत के बारे में सोचना शुरू किया और इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि कुरैश की तरफ से इस साल जो बड़ा हमारा तजारती काफिला जाएगा उस सफान बिन उमैया को मीर कारवा बनाएंगे सफान बिन उमै एक बड़ा आदमी था तो अब इन्होंने कहा कि मोहम्मद और इसके साथियों ने हमारी तजारती शाहरा को जो है वो बड़ा हमारे लिए मुश्किल बना दिया क्योंकि ये उससे होके जाते थे इनका जो इनके रास्ते थे वो मदीना से होके गुजरते थे और जो दूसरा रास्ता था साहिल के किनारे वहां के लोगों से भी अल्लाह के मुहिदे कर लिए थे कि अगर हमारा और मुश्किल का सामना होगा तो तुम हमारा साथ दोगे तो अब इन लोग को ये भी परेशानी थी कि इधर से जाए या इधर से जाए अगर हम घरों में ही बैठे रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे क्योंकि मक्के में तो कुछ अपना कोई पैदावार नहीं थी ना मक्के में मक्के में अपनी पैदावार कुछ भी नहीं थी मक्के में हर चीज के की दारोमदार जो है वो तिजारत पर था तो ये लोग गर्मी में शाम की तरफ जाते थे तिजारत करते थे और जाड़े में हफशा की तरफ इथोपिया की तरफ जाके उधर से तिजारत करते थे जिससे इनकी पूरी इकोनॉमी चलती थी तो अब इस मामले में पूरी मीटिंग रखी गई गौर किया गया कि क्या करना चाहिए तो असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब जो है ये एक अकलमंद आदमी था इसने से कहा कि तुम ये सीधा वाला रास्ता भी छोड़ो साहिल का रास्ता भी छोड़ो तुम एक लंबा रास्ता करो इराक के रास्ते ये नजद से होकर शाम जाता है और बहुत लंबा रास्ता घूम के जाता है लेकिन इन्होंने कहा कि कुरैश ये रास्ता इस रास्ते से नावाफ भी थे परेशानियां भी हो सकती थी भटक भी सकते थे लेकिन इन्होंने कहा कि हम रास्ता बना, बताने के लिए को, कोई वो ढूंढ लेंगे गाइड ढूंढ लेंगे लेकिन मोहम्मद और उसके साथियों से बचने का यही एक तरीका है कि हम इस लम्बे रास्ते से सफर करें तो इस इंतजाम के बाद जो है वो क्वैश का कारवा के क्यादत में निकला लेकिन अल्लाह के रसुल की इंटेलिजेंस इतनी तेज थी कि इसकी खबर भी अल्लाह के रसुल को पहुंच जाती है ने फौरन हमले की तैयारी की और सौ सवारों का एक दस्ता लिया हजरत मतलब खुद नहीं गए थे इसमें आपने हजरत जैद बिन हारसा कलबी की कमान में देखकर रवाना किया हजरत जैद ने जो है नया तेजी से रास्ता किया और तेजी से रास्ता तय किया और अभी कुरैश का काफिला एक जगह एक चश्मे पर पड़ाव डालने के लिए उतर ही रहा था कि आप, आप इन्होंने जैद बिन हारसा ने अचानक से हमला करके पूरे काफिले पर कब्जा कर लिया और सफान भी नुमैया और दूसरे जो बड़े कारवां के जो इंतजामिया और मुहाफिज थे वो इन लोगों को छोड़कर अपना सामान छोड़कर भाग गए तो मुसलमानों ने मजीद दो आदमियों को गिरफ्तार किया था और कुछ लोगों को रास्ता बताने गाइड था उसको भी गिरफ्तार किया गया और लेकिन सामान छोड़ ये जो पूरा जो लोग भागे थे वो अपना सारा सामान छोड़कर भागे थे तो इसमें जो है माल गनीमत की एक बहुत बड़ी मकदार बंद कर दें और अंदाजा लगाया जाता है रिवायतों में आता है कि इस काफ़ले काफिले के जो माली गनीमत हासिल हुआ था उसकी कीमत तकरीबन एक लाख दिरहम थी जो कि उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी और जिसमें जो है सोने और चांदी की चीजें थी और उसके अलावा और भी खाने पीने के सामान थे तो अल्लाह के केसलम ने खुमस निकालकर पांचवा हिस्सा निकालकर बाकी गनीमत तो उन लोगों में तकसीम कर दिया और फराद बिन फराद बिन भया जिसको पकड़ के लाए थे जो रास्ता बताने के लिए गाइड लेके चल रहा था सफान बिन उमैया उसने अल्लाह के केम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया तो बदर के सदमे से बेहाल प्रैश के लिए ये एक और बहुत बड़ा सदमा था अभी वो बदर के सदमे से नहीं निकल पाए थे कि ये उनके लिए बहुत बड़ा बड़ाज वाकया था जिससे उनके जो है सीनों में आग मजीद भड़क उठी अब इन, इन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया मतलब इतना इतना बड़ा माली नुकसान हुआ उनकी तजारत को इतना बड़ा झटका लगा अब उन्होंने कहा या तो दो अब रा, दो तो रास्ते या तो अपना गुरू छोड़ कर मुसलमानों से सुलह कर लो जाके अपनी अपनी अना अपना तकबर एक तरफ रख के या तो जो है वो भरपूर जंग करो यहाँ तक के जीत जाओ दो सूरतें बाकी या तो मुसलमानों की कुत को तोड़ना पड़ेगा या तो उनसे सुलह करके मुसलमान बनना पड़ेगा तो अब जो है इन्होंने आपस में मीटिंग की लोगों से मशवरे किए बड़े बड़े लोग बैठे बड़ी मीटिंग हुई लेकिन जाहिर है वो कुरैश थे उनकी अना और उनका झूठा वक़ार और उनकी अपनी आबाजाद की हमियत उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो उसकूलाह करें और इस्लाम कबूल करें लिहाजा उन्होंने दूसरे रास्ते का इंतार किया और उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए अब हमें मुसलमानों से ऐसी जंग लड़नी है जिसमें हमें जीत कर वापस यानी एक सफन बांध के निकलने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए अब मुसलमानों से हमें शिकस्त नहीं हासिल करना है तो जंग ओहत का एक तरह से ये एक ट्रिगर था ये एक वो था कि एक बटन था कि जिसको दबाने से जंग ओहद बहुत जल्दी सामने आई इस वाकये के फौरन बाद जो है कुछ ही दिनों में जंग उहद से आती है तो इनशाला हम अगले एतवार को जंग उहद से शुरू करेंगे क्योंकि वो एक लंबी लंबा चैप्टर है तो फिर हमें अभी बीच में छोड़ना पड़ेगा तो इनशाला हम इसको अगले हफ्ते से शुरू करेंगे अब हम दुआ कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد या मुखलबुलकलूब शलबी अला दीन या मुखलबुलकलूब सभ्यत कलबी अला दी ए दिलों को पलटने वाले दिलों को अपने दिन पर जमा दीजिए का कमार बयानी सगैीरा ऐ हमारे रब हमारे माँ बाप पर रहम करिए जैसा कि बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया ऐ हमारे रब उन्हें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज न बनाए देगा हमारे रब हमारे माँ बाप को हमेशा सेहत ही के साथ रखियेगा या अल्लाह इस वबा को दुनिया से ख़त्म कर दीजिए या अल्लाह इस वबा को दुनिया से खत्म कर दीजिए या अल्लाह याब आजमाइश अपनी रहमत से, हम से दूर कर दीजिए या अल्लाह जो लोग इस वबा में इस दुनिया से गुजर गए उनकी मफरत कर दीजिए उनको शहादत फर उतवा नसीब कर, कर दीजिए या अल्लाह जो लोग इस बीमारी से परेशान है उनकी परेशानी दूर कर दीजिए या अल्लाह जो लोग इस बीमारी में मुब्तला है उनको शिफा अता करिए या अल्लाह अपने बंदों पर रहम करिए या अल्लाह आप रहमान है आप रहीम हैं या अल्लाह आप सत्तर माओ से बढ़कर मोहब्बत करने वाले हैं अपने अपने बंदों पर रहम करिए या अल्लाह अपने बंदों की तकलीफ़ें दूर कर दीजिए या अल्लाह ये हमारे गुनाह है जिनकी वजह से हम पर मुसीबतें आती हैं वरना आप तो रहमान है रहीम है या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए या अल्लाह हमारे गुनाओं हमारे जो गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बनते हैं उन्हें हमसे दूर कर दीजिए या अल्लाह हमारे जो गुना हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बनते हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए या अल्लाह हमारी मफरत कर दीजिए या अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे लिए सबका जारिया बनाइएगा या अल्लाह हमें हमारे माँ बाप के लिए सबका जारिया बनाइएगा या अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर कर दीजिए या अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर कर दीजिए یا اللہ فلسطینین مسلمانوں کی مدد کریے یا اللہ مسجد اقصی پر مسلمانوں کا قبضہ رکھئے یا اللہ مسجد اقصی کو دشمنوں سے بچا لیجیے یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کو ہمت دیجیے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے یا اللہ ہمارے نیک اعمال قبول کر لیجیے یا اللہ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلائیے انہیں شیطان سے حفاظت میں رکھیے آمین سب آمین اللهم صل علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی یہینا و علی علیہم نے کہا ہم توجی

अचानक बस ध्यान हो गया देख लिया जी जी बहुत अच्छा लगा लफा लग को और हिम्मत दे और तौफीक दे और कबूल करे कामयाब करे आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा चैनल बंद करते हैं ठीक है मान सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमत